जल्दी आइए और अपना ध्यान रखिए खाने पे। ओके ठीक है। पहला इशू जा रहा है। गया ईशु भाई, गया, कोई बात नहीं। गुड्डा ईशु हमारा चला गया है और अभी स्टेला बहुत उदास है, अभी छे हुए है और ईशान अभी जा रहा है और क्योंकि 9 बजे की फ़्लाइट है तो पहुंच जाएगा, 1 घंटा लगेगा। वैसे भी अभी तो जाम वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सुबह सुबह तो जा चुका है और जल्दी ही अब आ जाएगा। अभी सीमा बात कर रही है ईशान की नानी से क्योंकि नानी को लग रहा है कि बेटा गया, आज मम्मा कहाँ गए, हमारी का फ़ोन नानी का ईशान की, तो सीमा अभी उसी से बात कर रही है। वो तो बहुत ज़्यादा होता है ना, बच्चा इतनी दूर जाता है तो सभी को होता है। ईशान के जाने से पूरे घर में शांति है, जबकि ईशु ऊपर रह गए और ऐसा लग रहा है घर पूरा सुनसान एकदम। हाँ, कुछ ना कुछ बोलते रह रहे हैं ना बालक स्टेला से, कभी किसी से, कभी किसी से। हाँ सुनो, बिल्कुल ऐसा लग रहा सुनसान, नहीं तो ऊपर ही रह रहे हो। कौन सा ऊपर ही तो रह रहे हो, होता ही है बच्चे जब घर से चले जावे तो ऐसे ही लगे कोई ना कोई। और ईशान तो जा रहा है दूर और शुभम की नींद से परवाह करी, जैसे वह छोड़ने जा रहा हो तो ठीक है। तो वेट कर रहे हैं बच्चा ईशु में, कहाँ ईशु? जब तक सब घर ना आ जाए ये यहीं जीने में बैठी रहेगी क्योंकि इसे पता है 8:30 बजे तक ईशु जिम से आता था और बब्बू आता है 11 बजे, तो यहाँ जीने में ही बैठी रहेगी, ऊपर नहीं आएगी और गर्मी में बैठी रहेगी यहीं पर, सबकी वेट करती है।